बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास। आई होप यू आर ऑल सेफ एंड साउंड इन योर होम्स। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम वी हैव टू स्टार्ट आवर वर्क। सो एज यू ऑल नो दैट दिस इज़ आवर पेज नंबर 11 एंड एज आई एक्सपेक्टेड दैट दिस इज़ द लास्ट लेक्चर वी हैव डन। वी हैव कम्प्लीटेड टूडे आवर इंग्लिश समर वेकेशन टास्क। सो दिस इज़ द क्रिएटिव राइटिंग, राइट फ्यू लाइन्स अबाउट अ पिकनिक। जैसे कि आप एक पिकनिक पे गए हैं, आपने उससे रिलेटेड आपने उस पिकनिक पे क्या किया, कैसे किया, कहाँ गए, वो सब कुछ आपने यहाँ पे लिखना है। तो एक क्रिएटिव राइटिंग होती है कि आपने अपने खुद से अपना तजुर्बा बताना होता है, अपना एक्सपेरिमेंट बताना होता है, अपना एक्सपीरियंस बताना होता है कि आप क्या करते हैं उसके अंदर। सो राइट फ्यू लाइन्स अबाउट अ पिकनिक, लेट वी हैव स्टार्टेड दिस। इट वॉज अ हॉलीडे। Yesterday, अली, आप किसी भी दोस्त का नाम लिख सकते हैं। अली केम टू माई हाउस विद सम फ्रेंड्स। They wanted to go for a picnic to Jahangir's tomb. वो कहाँ जाना चाहते थे? जहांगीर tomb, मकबरा है जहांगीर में। They wanted to go for a picnic to Jahangir's tomb. ठीक, they me to accompany them, कि वो मुझे चाहते थे कि मैं उनको ज्वाइन करूँ। I got ready at once, कि मैं एक ही दफ़ा में तैयार हो गया। and we started off. जाने के लिए निकल चले। एवरी वन ऑफ अस ब्रॉट हिज लंच विद हिम, कि हम सबके पास अपना अपना लंच था। दिस इज द नेक्स्ट पैराग्राफ। विद him we bought some eatables from the market. जैसा कि आप कभी भी किसी पिकनिक पर जाते हैं तो आपने चिप्स जूस वगैरह तो ख़रीदना ही होता है ताकि आप वो रास्ते में खा सकें। we bought some eatables from market. ठीक, वी आर गोइंग ऑल टुगेदर, हम सब इकट्ठे जा रहे थे। अबाउट हाफ एन आवर वी reached there, आधे घंटे के बाद हम वहाँ पहुँच गए। we were very happy, हम बहुत खुश थे। there were many children, men and women, वहाँ पे बहुत से बच्चे, आदमी और औरतें थीं।
Next paragraph. We ran races. Then we played football. We were in an hour, एक घंटे में. We were very thirsty, tired, थक गए थे and thirsty, और हमें भूख लग प्यास लग गई थी और हम बहुत थक गए थे. ठीक. Next, we had cold drinks, पीने के लिए हमारे पास ठंडी बोतलें थीं. The time passed swiftly. By the evening, the picnic was over. And we returned happily. So it will be completed. Our essay of creative writing a picnic is completed. Now turn to the page number 12. So here I am. Write a letter to your friend for lend a camera. आपने लेटर लिखना है जिसमें आपने अपने फ्रेंड को उसका कैमरा उधार लेने पे ख़त लिखना है ताकि वो आपको कैमरा उधार दे दे. सो फर्स्ट थिंग इज़, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपको लेटर का पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, जिसमें है एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC और नीचे डेट. अब ये गौर से देख लें कि ये लिखनी कैसे है. लाइक दिस, एग्जामिनेशन हॉल कोमा, सिटी A.B.C. सिटी ABC एंड डेट नेक्स्ट. फर्स्ट आपका मंथ आता है, दैट इज़ जून. टुडे इज़ 11 June 2020 फुल स्टॉप. ओके, नेक्स्ट इज़ डियर अली, आप अपने किसी भी दोस्त का नाम लिख सकते हैं. अस्सलामु अलैकुम, अ ग्रुप ऑफ माई क्लास फेलोज is going on a trip to Murray Hills. देखिए ये एक जगह का नाम है, इसलिए हमने इसको कैपिटल लेटर में लिखा है. I am also going with them. ठीक, I am also going with them. Murray is full of charming sceneries. I want to take some snaps of these sceneries. My camera is out of order. I shall be very thankful to you if you lend me your camera for some days. Your
योर्स ओबीडियंटली, एक चीज़ हमें दोबारा देख लें, योर्स के ऊपर अपोस्ट्रॉफी नहीं आएगा क्योंकि ये सीनियर क्लासेस हैं, सीनियर क्लासेस में ऊपर अपोस्ट्रॉफी नहीं आता, हम इसको ज्वाइन करके लिखते हैं। योर्स ओबीडियंटली एक्स वाई जी, ये बोर्ड पैटर्न है, ये भी याद रखें ठीक। एक यहाँ पे भी ये बोर्ड पैटर्न है, और सेकेंडली यहाँ पे भी देखेंगे जो डेट है वो आपने पहले मंथ लिखना है, मंथ पे डेट, एंड देन यू हैव टू राइट द ईयर। सो वी हैव कम्प्लीट दिस पेज नंबर 12। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।